पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ है शेख शाहजहां। महिलाएं पूछ रही हैं कि आखिर कहाँ है शेख शाहजहां जिसने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है। संदेश खाली में महिलाओं का विरोध जारी है और शेख शाहजहां के खिलाफ दर्जनों FIR लिखे जा चुके हैं, लेकिन TMC नेता शेख शाहजहां गायब है। TMC का दावा है कि एक हफ्ते के अंदर वो जेल में होगा, लेकिन अब तक वो कहां है इसके बारे में भी BJP तमाम आरोप लगा रही है। इन सब के बीच BJP के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि शेख शाहजहां सेफ कस्टडी में है। प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि कल रात से पुलिस कस्टडी में है शाहजहां शेख, और TMC ने शुभेंदु अधिकारी के दावे का खंडन किया है। पार्टी इसे आधारहीन बता रही है, लेकिन यह जरूर कह रही है कि एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी संभव हो जाएगी शेख शाहजहां की। लेकिन गवर्नर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर शेख शाहजहां को कानून के दायरे में लाने को कहा है। संदेश खाली के महिलाओं की एक मांग है शाहजहां की गिरफ्तारी। TMC मंत्रियों की टीम भेज रही है। यौन उत्पीड़न और कब्जे के लिए कुख्यात शेख शाहजहां को अब तक ममता सरकार बचाती रही थी। ममता सरकार महिलाओं के आक्रामक विरोध के बाद आत्मसमर्पण करती हुई दिख रही है। TMC आज पीड़ित महिलाओं को आश्वस्त कर रही है कि वो उनके आंसू पोंछने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन शेख शाहजहां के दबाव में अब तक चुप क्यों बैठा रहा। और संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद पहली बार शेख शाहजहां का कुकृत्य दुनिया के सामने आया था, तब मां माटी मानुष का दावा करने वाली ममता बनर्जी इन पीड़ितों की बात अनसुनी करती रही। क्या वो न्याय का भरोसा देंगे? और आज वही न्याय का भरोसा दे रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे बंगाल का पतन हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में पश्चिम बंगाल राज्य देश के कुल औद्योगिक निर्माण का 24% योगदान देता था, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 3.5%, महज 3.5% पर आ गया। In 1947, West Bengal's share in the country's total industrial production was, can you guess? 24%, a quarter of everything that industry produced for this country in 47 was all here. 24%. And you want to guess where you are today? And when I say today, 2021, I'm not even talking about 24. Where is 24% and where is 3.5%? और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराधी बाहर हैं और महिलाओं को जेल भेजा जा रहा है। संदेश खाली का संदेश गली गली जा रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार की घटनाओं के बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है और ऐसी दुर्गति वहां पर हो गई कि अत्याचार करने वाले खुले में घूम रहे हैं और महिलाओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में क्या होगा जो पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, किस तरह से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उस बीच में यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या अपडेट्स देंगे, किस तरह की सियासत वहां चल रही है? निखिल, सबसे पहले तो यह बता दूं कि जो आदमी पिछले 50 दिनों से फरार है, किस आधार पर यह कहला आगे 7 दिनों में या हाँ एक टाइम बाउंड जी अगर पकड़ा जा सकता है तो क्यों पिछले 50 दिनों में क्यों पकड़ा नहीं गया और अगले 7 दिनों में कैसे पकड़ा जाएगा? अगर 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 7 दिनों में पकड़ा जाएगा तो क्यों नहीं जा रहा है, मतलब उसके बारे में अगर पुलिस को पता है तो फौरन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये सब राजनीति का खेल खेला जा रहा है। पुलिस तृणमूल कांग्रेस राजनीति का खेल खेलना चाहते हैं, उसी खेल पुलिस
खेला जा रहा है, जी बात आपकी यही है। आवाज हम पुलिस तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज हम तक पूरी ठीक तरह से नहीं पहुंच रही, लेकिन आपने अपनी बात जरूर बता दी। और एक बड़ा सवाल प्रसेनजीत बख्शी ने किया कि अगर पिछले 50 दिनों से नहीं पकड़ा जा रहा था शेख शाहजहां, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते में पकड़ लिया जाएगा? तो जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि वो सेफ कस्टडी में है, तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि शुभेंदु अधिकारी सही कह रहे हैं? तो फिलहाल